हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए फुली मॉक टेस्ट को आगाज करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो यह अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखें। देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का परिचालन किया गया था दिल्ली NCR में। अगला सवाल। जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है, तो कहता है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों, ये जो है भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, ये बात सत्य है। उसके बाद है भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, ये भी बात सत्य है। उसके बाद है भारत के साथ 4 देश जो नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड एंड कैनेडा, यानी ये 4ों देश अस्थायी सदस्य बने, ये भी बात सत्य है। यानी कि मेरा तीनों कथन जो है सत्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नासा द्वारा प्रायोजित आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो ये नासा द्वारा भेजा जाएगा आर्टेमिस मिशन संबंधित है चंद्रमा से। अगला सवाल। दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किया शामिल किया है? तो यह है सिंगापुर की हॉकर संस्कृति। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो यह है पर्यावरणीय अनुकूलन, मजबूत घर प्रदान करने से। अगला प्रश्न। भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क मध्य प्रदेश में खोला जाएगा, बनाया जाएगा। अगला प्रश्न। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर के राजधानी दोहा में होगा और 2026 का जो है फीफा विश्व कप अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। ये तीनों जो है नाफ्ता के सदस्य हैं। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये था बिहार। अगला सवाल। हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया था भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा। अगला प्रश्न देखें। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन 2020 में कौन सा राज्य प्रथम पर रहा? तो ये कर्नाटका प्रथम पर रहा था। किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 पारित किया गया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ये राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल। जी, ये जो है 47वें हुआ था G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2021 में, और ये आयोजन हुआ था कॉर्नवॉल, ब्रिटेन में। अगला सवाल देखें। अरब देश में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया था संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला प्रश्न। पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल। मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 के संबंध में, यानी कि कह रहा है कौन सा कथन गलत है, यानी सही नहीं है? तो इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ, ये बात सत्य है। इनमें से भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी बात सत्य है। और 2020 में भारत को 144वां स्थान मिला था, ये भी बात सत्य है। यानी तीनों बात सत्य है, गलत कोई भी कथन नहीं है। तो आंसर होगा डी, सभी सही है। अगला सवाल। सिलिनेक्स 2020 एक अभ्यास है, तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। अगला सवाल। हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, तो उनका संबंध जो है फिल्म जगत से है, क्योंकि पहली महिला भानु अथैया ही है जिसे ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था। और साथियों, ये गांधी फिल्म के लिए इन्हें ड्रेस डिजाइनर के रूप में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। अगला सवाल देखें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? ये देश है अल सलवाडोर।
और साथियों, अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन मुद्रा को वैध करने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न देखें, एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का निर्माण किया गया है गुजरात में। अगला सवाल, रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता। अगला सवाल, वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया सोनम वांगचुक को। अगला सवाल देखें, हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो लाया गया था 2005 में। अगला सवाल, नई शिक्षा नीति 2020 पारित किया गया है और इनके संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत है, पहचानना है? तो ये जो है नई शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर यह नीति लाई गई थी, ये बात सत्य है। और इसमें शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ये भी सत्य है। और इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ये भी सत्य है। और कहता है इससे पूर्व 1984 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी। तो साथियों, दूसरी शिक्षा नीति भारत में 1984 में नहीं बल्कि 1986 में लाई गई थी और प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लाई गई थी। तो इस प्रकार से दूसरी शिक्षा नीति 86 होगा, जो कि गलत है, 84। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय युवा दिवस 2020-2021 का थीम जो है युवा उत्साह नए भारत का रखा गया था। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती का प्रमाण मिला है? तो साथियों, चावल के दाने रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुआ था, तो चावल की खेती का प्रमाण भी लोथल से मिला था। और बता दो कि कालीबंगन से हल के जोते हुए साक्ष्य का प्रमाण मिला था। अगला प्रश्न देखें, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था, और प्रथम जो जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर ऋषभदेव थे जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था, और तीसरे संभवनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। अगला सवाल देखें, कुशीनाड़ा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो साथियों, मल्ल की राजधानी थी कुशीनाड़ा नहीं होगा, कुशावती। और सूरसेन की मथुरा, अवंती का उज्जैन, अस्मक का पोटली। अगला सवाल देखें, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और डायोनेसियस आया था अशोक के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले थे ये जो है मेगास्थनीज। अगला सवाल देखें, कीरा तारजुनियम के लेखक जो हैं ये भारवी हैं, जबकि कुमार चरितम के डांडी हैं, मालती माधव भवभूति हैं, मत विलास प्रहसन के महेंद्र वर्मन प्रथम है। अगला सवाल देखें, तुर्कान ए चहलगानी का जो है गठन दिल्ली संतनत के किस शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। यह 40 तुर्क सरदारों का गठन था और इसका विनाश बलबन ने किया था। अगला सवाल, निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक था। अगला सवाल, इलाही संमत की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था। 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना किया और इलाही संमत की स्थापना 1583 में किया। अगला सवाल, मुगल बादशाह अकबर ने जरी कलम की उपाधि हुसैन कश्मीरी को दिया, जबकि सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दिया था। अगला सवाल देखें, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच लड़ा गया था शामुगढ़ का युद्ध, ये 16 मई 1658 को लड़ा गया था। अगला सवाल, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1775 से 1782, और इस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे, बंगाल के गवर्नर जनरल वो थे वारेन हेस्टिंग, और इसे सालाबाई के संधि के तहत समाप्त कर दिया गया। अगला सवाल, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना हुई थी, लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। अगला सवाल, कश्मीर की नियुक्ति साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा हुई थी नवंबर 1927 में, जबकि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है। अगला सवाल, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे शिशिर कुमार घोष। अगला सवाल,
निम्न में से कौन ग्रह अंतर ग्रह कहलाते हैं? तो बुध और शुक्र जो है अंतर ग्रह कहलाते हैं। अगला सवाल, सामान्य कहता है उपसौर की स्थिति कब होती है? अपसौर की स्थिति, तो अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई की, जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच मैक्सिमम दूरी रहती है। और उपसौर की घटना जो होती है तीन जनवरी को होती है। उपसौर की घटना जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। अगला सवाल देखें, एम्फीबोलाइट, तो एम्फीबोलाइट जो है बेसाल्ट चट्टान का जो रूपांतरित शैल से बनी हुई है। अगला प्रश्न देखें, पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो पलाया जो है पवन द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है महादेश प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला सवाल, पश्चिमी घाट किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? तो यह है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण। अगला सवाल, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? तो वह है सुंडा जल संधि। अगला सवाल, विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पर है। अगला सवाल, ओजोन परत पाई जाती है मैक्सिमम रूप से समताप मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत में समताप मंडल में अधिकांश मात्रा में पाई जाती है। और वायुमंडल 5 पर्वत में है, जबकि सबसे निचली परत 6 मंडल और सबसे बाह्य परत होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न देखें, कहता है सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा है, जबकि सर्वाधिक समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात होगा, और प्रायद्वीपीय भारत में या दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, मिकिर पहाड़ी जो है असम राज्य में है। अगला सवाल, कहता है कौन सा चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव से जोड़ता है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिका यानी कि लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनिकाय से और 10 डिग्री अंडमान निकोबार को छोटा अंडमान से बड़ा कार निकोबार। अगला सवाल देखें, उड़ी परियोजना यह झेलम नदी पर अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल, कोयना किस नदी की सहायक नदी है? तो कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो पक्षी वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। अगला सवाल, केचुए श्वसन करते हैं, तो केचुआ जो श्वसन करता है त्वचा के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो कवक जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। अगला सवाल, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्युलोज की। अगला सवाल, निम्न में से कौन रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो वो AB जो है रक्त समूह है, जबकि O में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 के कारण होता है, नियासिन के कारण। अगला सवाल देखें, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्ध्य के माध्यम से। अगला सवाल, कहता है विद्युत धारिता का SI मात्रक जो है वो फैराड होता है, जबकि विभव और विभवांतर का वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। अगला सवाल देखें, और चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। अगला सवाल है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय तो स्थिरांक जी, तो बड़ी जी का यानी कि कैपिटल जी का मान कर रहा है, तो होता है 6.673 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो गामा किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जबकि बेधन क्षमता सर्वाधिक होता है। अगला सवाल देखें, स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है एक समान त्वरण का। अगला प्रश्न, 20 किलो हर्ट्ज
से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगे परासर्व तरंगे कहलाती है, जबकि 20 Hz से कम रहेगा तो अवसर्व, 20 Hz से 20,000 Hz रहेगा तो वो होगा सर्व, और 20 kHz यानी कि 20,000 Hz से ऊपर की तरंगे कहलाती है परासर्व तरंग। अगला सवाल देखें, कांसा निम्न में से किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो कांसा में जो होता है तांबा एवं टीन होते हैं, जबकि टाका या रंगा में टीन सीसा, और पीतल में तांबा जस्ता, और गन मेटल में तांबा जस्ता टीन, और जर्मन सिल्वर में होता है तांबा जस्ता निकेल। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश कहा जाता है? तो फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को नीला कशिश कहा जाता है। अगला सवाल देखें, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस होते हैं N2O और SO2, यानी B और C सही है। अगला सवाल देखें, पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र बने होते हैं, लोहा का बना होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? बेकेलाइट। अगला सवाल, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो थे H.C. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न देखें, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 26 है। अनुच्छेद 25 में धर्म एवं आचरण की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसके अनुसार चल सकते हैं, और अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंध यानी कि धार्मिक कार्य के लिए आप रुपया जुटा सकते हैं, और अनुच्छेद 27 में आपके जुड़ा जो धार्मिक कार्य के लिए चंदा करके रुपया जुटाते हैं उस पर सरकार टैक्स नहीं लगेगा, और अनुच्छेद 28 में है कि आप जो है किसी भी निजी एवं सरकारी विद्यालय में शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसके लिए बनी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला सवाल, लोकसभा के नेता होता है तो प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो किसी भी क्षेत्र को SC/ST क्षेत्र घोषित करेगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल, किसे अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो यह है प्रोक्लन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, वो भी लोकसभा से यानी सत्ता दल के नेता, और लोकलेखा समिति विपक्ष के नेता इसके अध्यक्ष होते हैं, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। अगला सवाल देखें, किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और कम से कम 60, विधानसभा में अधिकतम 500 और कम से कम 60 किसी भी राज्य में। अगला सवाल देखें, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अपशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 248। अगला सवाल, भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का व्यवस्था नहीं है? तो पंचायती राज नहीं है साथियों, वो राज्य हैं मे न। तो मे से हो गया मेघालय, मी से हो गया मिजोरम, और न से हो गया नागालैंड। तो ये सब में जो है व्यवस्था नहीं है, तो मेघालय दिया गया ऑप्शन में है। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष? कहता है किताम वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में है। अगला सवाल, यूनेस्को के द्वारा मानव जैव मंडल कार्यक्रम यानी मानव जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1971 ईस्वी में। अगला सवाल, भारत के निम्न में से किस राज्य में जो है हंगुल
पाए जाते हैं? तो नाचीगरम वन्यजीव अभयारण्य में हंगुल जो है पाए जाते हैं। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, जिनकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होता है। अगला प्रश्न देखें, गिनी की राजधानी, तो गिनी की राजधानी है कोनाक्रे। अगला सवाल, बांस नृत्य जो है मिजोरम का नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य लोक नृत्य। अगला सवाल देखें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे बोलते हैं DRDO, तो इनका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और स्थापना 1958 को हुआ था, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस देश का संसद का नाम, ये पोलैंड सोजिम जो है किस देश के संसद का नाम है, तो पोलैंड का संसद का नाम है सोजिम, मलेशिया के दीवान निगारा, आयरलैंड के डेल आयरन और ताइवान के युआन। अगला सवाल देखें, निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है, तो वो वस्तु होती है निम्न स्तरीय वस्तुएं। अगला सवाल देखें, लॉरेंज वक्र निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है, तो लॉरेंज वक्र जो है साथियों आय की वितरण या विषमता का पता लगाया जाता है। तो ये रहा साथियों आज के प्रैक्टिस सेट, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।